उच्च प्राथमिक विद्यालय भूरा की गढ़ी के प्रधान अध्यापक सौरभ सिंह द्वारा कक्षा 7 में पढ़ने वाले बच्चे को वर्ष में 100% उपस्थित होने पर साइकिल उपहार में दी व इसी तरह आगे बढ़ते रहने का आशीर्वाद दिया। विद्यालय में एकक शिक्षक होने पर भी शिक्षक सौरभ सिंह विद्यालय व छात्र हित हेतु प्रयासरत है। हैंडबॉल बालिका टीम बनी जनपदीय चैंपियन। प्रतियोगिता लखनऊ के कालीचरण इंटर कॉलेज के क्रिकेट मैदान में संपन्न हुई, जिसमें 14 वर्ष आयु बालिका वर्ग में हरदोई का प्रतिनिधित्व बेसिक की जूनियर हाई स्कूल इसरापुर विकासखंड माधोगंज की टीम ने प्रतिभाग किया और उप विजेता रही। खेल प्रतिभाग के आधार पर 4 बच्चे नैन्सी, कंचन, गुनगुन व बेबी को मंडल टीम के लिए चयनित किया गया। साथ ही टीम कोच विकास द्विवेदी को अंडर 14 बालिका लखनऊ मंडल की टीम का कोच भी नियुक्त किया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई व सखंड शिक्षा अधिकारी माधोगंज ने सभी बच्चों व कोच को बधाई दी। जनपद एटा के मारहरा ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय पिदौरा विकासखंड मारहरा जनपद एटा में शिक्षक ओमवीर जी के द्वारा विज्ञान को बड़ी ही सरल ढंग से प्रयोग करते हुए ज्ञान की पाठशाला चलाई जा रही है, जिसमें गंदे पानी का शुद्धिकरण कैसे किया जाए, लिटमस पेपर द्वारा अम्ल व क्षार की प्रवृत्ति की पहचान एवं उत्तल तथा अवतल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब जैसे विषयों को वर्किंग मॉडल के माध्यम से बहुत ही सरल और रोचक ढंग से छात्र छात्राओं को सिखाया जा रहा है, जिससे उनका अधिगम स्थायी किया जा सके तथा विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत की जा सके। ओजोन परत की सुरक्षा आज के समय की मुख्य ज्वलंत समस्याओं में से एक है। इसी विषय पर जागरूकता के लिए प्राथमिक विद्यालय ककरेड विकास क्षेत्र मारहरा एटा में शिक्षिका शालिनी के द्वारा ओजोन परत के महत्व और आवश्यकता पर छात्र छात्राओं को समझाया गया। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे वीरगाथा 3.0 परियोजना के तहत प्राथमिक विद्यालय हंसपुर अवागढ़ एटा के कक्षा 4 व 5 के छात्र छात्राओं ने शिक्षिका अंजलि मिश्रा के निर्देशन में भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों जैसे महाराणा प्रताप, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, अब्दुल कलाम आजाद, तात्या टोपे, वीर सावरकर, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आदि के छायाचित्र बनाए और उनके महान कार्यों को याद किया। एटा के विभिन्न विद्यालयों में गणेश चतुर्थी के उत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें प्राथमिक विद्यालय हंसपुर अवागढ़ एटा के छात्र छात्राओं ने मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा बनाकर उन्हें रंगों से सजाया। वहीं प्राथमिक विद्यालय सामुखर निथौली कलां के बच्चों ने विभिन्न प्रकार के पत्तों से गणेश जी की आकृति बनाई। प्राथमिक विद्यालय जरसिमी प्रथम में बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत ही सुंदर सुंदर गणेश जी बनाए। आजमगढ़ महोत्सव में कंपोजिट विद्यालय सरायमीर के बच्चों ने अपनी सुंदर प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। बच्चों की उनकी प्रस्तुति से प्रसन्न होकर महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य व मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ प्रकाश गुप्ता ने बच्चों को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। उच्च प्राथमिक विद्यालय सिंगरौरा ब्लॉक सालारपुर जनपद बदायूं में स्टूडेंट पुलिस क्रेडिट योजना SPC के अंतर्गत बच्चों को भ्रष्टाचार क्या है तथा इसकी निवारण के उपाय के बारे में विस्तार से बताया गया और छात्र छात्राओं को महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, एम्बुलेंस हेल्पलाइन आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर नोडल शिक्षक सचिन सक्सेना, उप निरीक्षक राज्यपाल हेड कांस्टेबल नोडल रूम सिंह, जितेंद्र कुमार, रविश कुमार, महिला कांस्टेबल करिश्मा व सीमा माथुर आदि उपस्थित रहे। जनपद वाराणसी से कार्यक्रम संचालिका अमृता सिंह जी ने शक्ति संवाद कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम की शक्ति स्वरूप जनपद इटावा के प्राथमिक विद्यालय नगला भाग से प्रधान अध्यापिका स्वीटी मधुरिया जी को आमंत्रित किया। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताते हुए मैम ने कहा कि उनके जीवन में उनकी माता जी का विशेष प्रभाव रहा है, जिसके कारण ही वे इतने सारे क्रियाकलापों को कर पाने में सक्षम है। विद्यालय स्तर पर अभूतपूर्व कार्यों हेतु समय समय पर उन्होंने पुरस्कार भी प्राप्त किए व अपनी कार्यशैली से विशेष पहचान प्राप्त की। अंत में कार्यक्रम संयोजिका सरिता राय ने स्वीटी मधुरिया जी का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया।
गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल गादीचौना रानीखेत की सहायक अध्यापिका विनीता खाती के विद्यालयी कार्यों से प्रभावित होकर रानीखेत के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जयकिशन जी ने एक पत्र निष्कासित किया, जिसमें उन्होंने निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों व विद्यालय से संबंधित अपने अनुभवों को साझा किया और शिक्षिका के कार्यों की प्रशंसा व सराहना की। मिशन शिक्षण संवाद एवं बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जनपद के उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान का कार्यक्रम डैक कुशीनगर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ खान शिक्षा अधिकारी श्री उदय शंकर रॉय एवं श्रीमती मंजू सिंह के द्वारा शिक्षा की देवी मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित एवं पुष्पार्पण के द्वारा किया गया। कम्पोजिट विद्यालय दुर्गवलिया पंडरौना के छात्रों द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। शिक्षकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की वीडियो क्लिप को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती मंजू सिंह व संचालन राज्य पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक सूर्य प्रताप व सुनील सिंह द्वारा किया गया। नमस्कार।